इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर ललितपुर लाइव टीवी के फटाफट बुलेटिन में। तब तक आप बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर जिले के थानापाली इंचार्ज पर लगा गंभीर आरोप। एक नाबालिग किशोरी के साथ बलात्कार के मामले में पुलिस अधीक्षक ने किया निलंबित। जैसा कि आप सभी को बता दें कि ललितपुर जिले के थानापाली में पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई है। इससे पहले भी ऐसे कई कारनामे थानापाली पुलिस द्वारा सामने आ चुके हैं, जिसमें खाकी को शर्मसार होना पड़ा था। उसी क्रम के चलते आज फिर कोर्ट के आदेश पर थानाध्यक्ष पाली तिलकधारी सरो पर एक गंभीर आरोप लगाया, जिसमें एक नाबालिग किशोरी ने थानाध्यक्ष सहित पांच अन्य पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जिले के अलावा भी अन्य जिलों में सनसनी फैल गई है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर ललितपुर पुलिस अधीक्षक श्री निखिल पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तथा थानाध्यक्ष सहित पांच अन्य की तलाश जारी है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील पाली से मोनू विश्वकर्मा के साथ प्रियंक जैन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दो दिवसीय बुंदेलखंड दौरा, जिसमें वह 7 मई को झांसी पहुंचेंगे। वहां पहुंचकर झांसी जिले के अलावा जालौन जिले के अधिकारियों के साथ दोनों जिले के विकास कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे और कानून व्यवस्था की समीक्षा। इसके बाद में अगले दिन 8 मई को सुबह 9 बजे बाय हेलीकॉप्टर से ललितपुर के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां उनका हेलीकॉप्टर ललितपुर के पुलिस लाइन में उतरेगा। यहां से वे सीधे ललितपुर शहर के चौका बाग स्थित राष्ट्रीय संत मुरारी बापू द्वारा चल रही रामकथा के आयोजन को लेकर वहां पहुंचेंगे। इसके पश्चात वह ललितपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें वह कानून व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे और वह यहां से सीधे पुलिस लाइन पहुंचकर वहां से हेलीकॉप्टर द्वारा लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ललितपुर शहर के चौका बाग में राष्ट्रीय संत मुरारी बापू द्वारा आयोजित श्री राम कथा के आयोजन को लेकर कथा के चौथे दिन भगवान शिव विभाग पर अपने दृष्टांत बताए, जिसे सुनकर भक्त भाव विभोर हो गए। इस कार्यक्रम में योग गुरु पंतजलि के संस्थापक बाबा रामदेव ने जाकर राष्ट्रीय संत मुरारी बापू का आशीर्वाद लिया। ललितपुर की जनता बापू की कथा श्रवण कर धन्य हो गई। महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ भवानी ललितपुर जैसे छोटे शहर में बापू जी की कथा के लिए आमंत्रित कर यहाँ की जनता के भाग्य खोल दिए। यहाँ बापू के कदम पड़ने से यहाँ की जनता धन्य हो गई। ललितपुर में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 3,04,00,000 की लागत से बन रही सड़क ग्राम बंगरिया से डोंगरा कला होते हुए महोली घाटी तक सड़क निर्माण के कार्य के वरिष्ठ नेता गुड्डू राजा ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया और कहा कि इस सड़क निर्माण के बाद क्षेत्र के कई गांवों और ग्रामीणों को बहुत सहूलियत हो जाएगी और सड़क निर्माण की सौगात जल्द से जल्द ग्रामीणों को मिलेगी। इस दौरान उनके साथ इंजीनियर एस के जैन, मोनू राजा, टोनू राजा, अमरपाल राजा, चंद्रपाल राजा, धीरेन्द्र राजा रोड़ा, भगत राजा, गजेंद्र सिंह परमार, प्रधान डोंगरा कला दशरथ राय, पंडित विजय बबेले, राजू यादव, के नामदेव, राहुल कुशवाहा, सेतु यादव, भैया पठा, विक्रम राजा, अमोल राय, करण कुशवाहा, राम प्रकाश राठौर सहित अनेकों लोग उपस्थित रहे। ललितपुर जिले के कस्बा तालबेट में ब्राह्मण नवचेतना मंच और श्री सेवा दल द्वारा भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते वापस सुदामा प्रसाद गोस्वामी स्कूल में जाकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में भगवान परशुराम के वेशभूषा में सजी झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ शामिल रही। ये शोभा यात्रा सुदामा प्रसाद गोस्वामी स्कूल से शुरू हुई और नगर पालिका रोड, तालबेट बाजार, स्टेशन रोड, बाईपास रोड होते वापस सुदामा प्रसाद गोस्वामी स्कूल पहुंचकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में शामिल हुए श्रद्धालुओं ने भगवान परशुराम के जयकारे लगाते चल रहे थे और महिलाओं ने धार्मिक गानों कीर्तन पर भक्ति गीत गाए और शोभा यात्रा के बाद जिसमें भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना तालबेहट कोतवाली प्रभारी बीएल यादव ने पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे और परशुराम जयंती को सफलतापूर्वक नगर में भ्रमण करवाया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील तालबेहट से विपिन सिंह की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले के कस्बा बानपुर में बड़े ही सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के साथ मनाया गया ईद का पर्व और नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई एवं देश में शांति और अमन चैन की दुआएं मांगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से धनेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर नगर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के तुवन मंदिर प्रांगण से शुरू हुई और नगर के प्रमुख चौराहों एवं मार्गों से होती वापस पहुंची। इस भव्य शोभा यात्रा में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रैकपार की रिपोर्ट। शोभा यात्रा में नहीं मिली, थोड़ा सा मन को कष्ट होता है, क्लेश होता है। अगर नगर का ब्राह्मण वर्ग भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में अगर सम्मिलित हो जाए तो ललितपुर की एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा हो सकती है। और मैं तो आग्रह करूंगा जनपद के समस्त ब्राह्मण वर्ग के साथियों के साथ साथ संपूर्ण नगरवासियों से इस तरह के आयोजन किसी भी महापुरुष की जयंती जब मनाई जाए तो सारा नगर एक साथ एकजुट होकर के इस तरह के कार्यक्रमों में सम्मिलित हो, ताकि ये लगे कि ये किसी एक वर्ग विशेष का नहीं, संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के लिए भगवान परशुराम का अवतार हुआ। ललितपुर जिले में इन दिनों पड़ रही भीषण गर्मी में विद्युत की रात और दिन में हो रही अंधाधुंध कटौती को लेकर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, जिसको लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जहां एक ओर सरकार द्वारा 24 घंटे में 18 घंटे विद्युत सप्लाई देने की बात कही जा रही है, तो वहीं सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासन खोखले दिखते नजर आ रहे हैं। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय विद्युत व्यवस्था की बात करें तो यहाँ बिजली केवल नाम मात्र की आ रही है। रात और दिन में हो रही अंधाधुंध विद्युत कटौती से ग्रामीण परेशान हो चुके हैं और वह इसके लिए विद्युत विभाग को कोस रहे हैं। ललितपुर में प्रगति रक्तदान सेवा समिति सराहनीय पहल लगातार जारी है। उसी क्रम के चलते आज प्रगति रक्तदान सेवा समिति के सदस्य भैयन कुशवाहा एवं माजिद खान ने किया जरूरतमंद परिवारों को रक्तदान, जिसमें भैयन कुशवाहा ने जिला अस्पताल में भर्ती एक गर्भवती महिला कुसुम कुशवाहा, जो कि प्रसव के दौरान रक्त की कमी के कारण भर्ती थी और उन्हें डॉक्टरों ने दूसरी बार एबी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की आवश्यकता बताई। जैसे इसकी जानकारी समिति के प्रमुख सदस्य उदल कुशवाहा द्वारा हुई, उन्होंने तत्काल भैयन कुशवाहा से संपर्क किया। इसके पश्चात भैयन कुशवाहा ने ब्लड बैंक पहुंचकर अपना बहुमूल्य ब्लड एबी पॉजिटिव रक्तदान कर गर्भवती महिला को ब्लड डोनेट किया और रक्त की कमी पूरी की। तो वहीं दूसरी ओर माजिद खान ने 1.5 वर्षीय कृपाल, जो कि रक्त की कमी के कारण जिला अस्पताल ललितपुर में भर्ती था और डॉक्टरों ने जल्द से जल्द बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की व्यवस्था करने को कहा, जिस पर परिवार वाले काफी चिंतित थे और परिवार में कोई भी सदस्य रक्तदान करने योग्य नहीं था। जैसे इसकी जानकारी ममता राजपूत द्वारा शहरोज खान को ही, उन्होंने तुरंत माजिद खान से संपर्क किया। इसके पश्चात माजिद खान ने ब्लड बैंक पहुंचकर अपना बहुमूल्य इस मौके पर समिति के अध्यक्ष प्रिंस राठौर, उपाध्यक्ष अमन राठौर, महिला उपाध्यक्ष ममता राजपूत, महामंत्री अंकित राठौर, मीडिया प्रभारी मनोज खटिक, शहरोज खान, समीर खान, संजीद खान, असद खान आदि ने रक्तदान महादान करने वाले दोनों सदस्यों का आभार व्यक्त किया। ललितपुर जिले के कस्बाबार स्थित डिमरौला मोहल्ले में अवैध रूप से कच्ची शराब बेची जा रही है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों ने थानावार प्रभारी अवध नारायण पांडे को एक ज्ञापन सौंपते हुए अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ सख्त की सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए शराब बंद करवाने का आग्रह किया। मोहल्ले के लोगों ने कहा कि कच्ची शराब के बिकने से मोहल्ले में लोग दिन भर शराब का सेवन कर रहे हैं, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। प्रदेश में अवैध शराब से कई जिलों में दर्जनों मौतें भी हुई हैं। मोहल्ले वासियों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो कच्ची शराब के धंधे में संलिप्त हैं। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। और मेरे मोहल्ले में अवैध रूप से बिक्री की जा रही है, जिसकी मैं थाना बार में ज्ञापन देने आया था कि सर मेरे यहाँ मोहल्ले बिक्री हो रही है, उसको रोका जाए। और एक बार मैं पहले भी थाना बार में ज्ञापन दे चुका हूँ कि सर मेरी मोहल्ले की अवैध बिक्री बंद की जाए। किस चीज की बिक्री? कच्ची शराब और पक्की शराब बेची जाती है। तो आपने थाना प्रभारी से क्या मांग की है? हमें थाना प्रभारी से ये मांग की है कि सर जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए और ये मेरे यहाँ पे जो कच्ची शराब और पक्की शराब की अवैध बिक्री की जा रही है वो बंद की जाए। इस बात का लेकर आया कि मेरे मोहल्ले में अवैध रूप से कच्ची और पक्की शराब बिक रही है, इसलिए मैं अपना मोहल्ला का सुधार करवाना चाहता हूँ। समाज लोग इकट्ठे आए हैं, अभी थाना अध्यक्ष को हमने विज्ञापन दिया, उनसे जाकर मैं इस बात कर लेकर आऊँ कि मेरे मोहल्ले जो कच्ची शराब बिक रही है इस पर आप पाबंदी लगाए, कुछ कानून कार्रवाई करें।